तो गाइस पिछले एपिसोड में जो है हमने जो है गोकू को भेज दिया था नए वाले हेल बेस पर, क्योंकि यार हेल लोड ने अपना हेल बेस बदल लिया है और उसके बारे में हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तो हमने गोकू को समझाया और उसे भेज दिया हेल बेस में। अब हेल बेस की जानकारी गोकू को है और आगे क्या करना है वो हमें गोकू ही बताएगा। आखिरकार है कहाँ पर उसका हेल बेस, लेकिन वहाँ पर गोकू की जान को खतरा है अगर उनको पता चल गया कि गोकू हमारे साथ मिला हुआ है, यानी कि हमारी टीम में है, तो वो गोकू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनको अभी भी यही लगता है कि गोकू उनके वश में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोकू अभी हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है गोकू को पहले जैसा, और वो हमारा साथ दे रहा है। लेकिन कब तक, शायद उनको एक दिन पता ही चल जाएगा कि गोकू उनके वश में नहीं है। देखते हैं अब क्या करेंगे आगे। अरे फ्रैंकलिन, घबराने की कोई बात नहीं है। उनको कभी पता नहीं चलेगा कि गोकू जो है उनके वश में नहीं है, बल्कि वो तो ठीक हो चुका है पहले की तरह। लेकिन जल्द ही वो हमें हेलबेस की जानकारी दे देगा कि नया वाला हेलबेस आखिरकार है कहाँ, फिर हम वहाँ पर जाकर अटैक करेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ हेवन गॉड, तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं बेमतलब में ही टेंशन ले रहा हूँ। जल्द ही से जल्दी जो है अपने को नए वाले हेल बेस की जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर अपन वहाँ पर जाकर अटैक कर देंगे। अरे हेलोड डेविल लॉर्ड, ये जो पड़े हैं नीचे डेविल क्वीन, और ये जो डेविल गॉड है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनके कुछ करने वाले हो क्या इनके साथ तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो अरे गोकू, मैं इनको वापस से जिंदा करने के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं इनको जिंदा भी कर दूंगा। इन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दी है, और डेविल गोर तो मेरा अपना बेटा है। डेविल क्वीन डेविल लॉर्ड की पत्नी है, इन दोनों को जिंदा तो करना ही होगा मुझे। इसके लिए मुझे काफी ज्यादा लोगों की जरूरत है, उनकी मैं बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद इन दोनों को मैं अपने जादू से जिंदा कर दूंगा। तो मुझे उसके लिए किसी को भेजना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम में से मैं किसको भेजूं जो मेरे लिए 100 लोग लेकर आए। एक काम करता हूँ, मुझे उसे भेजना चाहिए जिसे फ्रैंकलिन बिल्कुल भी नहीं जानता हो। अरे मैं जा सकता हूँ ना उसके लिए? मैं पकड़ के लेके आऊँगा 100 लोगों को। हेलो मैं लेके आऊँगा 100 लोगों को। नहीं नहीं कोकू, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तुमको फ्रैंकलिन अच्छे तरीके से जानता है, और उसे शायद ये भी पता होगा कि तुम हमारे लिए काम करते हो, तो वो हमारे बीच में सिर्फ वादा ही बनेगा। हमें किसी ऐसे को भेजना चाहिए जिसे फ्रैंकलिन ने अभी तक देखा ही नहीं हो, तो शायद हमारा काम बन सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मैं भेजू तो भेजू किसे? कोई तो ऐसा होना चाहिए हम में से जिसे फ्रैंकलिन जानता ही ना हो, तो हम उसे भेजेंगे 100 लोग लाने के लिए, और फिर उन लोगों की बलि चढ़ाकर मैं जो है डेविल गॉड और डेविल क्यों इनको वापस से जिंदा कर दूंगा। यही मेरा मकसद है, जल्द ही जल्द वो दोनों जिंदा हो जाएंगे और फ्रैंकलिन को इस बात की खबर भी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, मेरे हिसाब से इसके लिए डायमंड गोड सही रहेगा। मुझे लगता है फ्रैंकलिन ने अभी तक डायमंड गोड को नहीं देखा, और ना ही डायमंड गोड ने फ्रैंकलिन को देखा होगा। तो उससे पूछता हूँ, क्या वो जाने के लिए तैयार है? क्या वो लेकर आएगा मेरे लिए 100 लोग? वैसे लेकर तो आएगा ही, क्योंकि वो मेरी ही आर्मी का मेंबर है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरी बात टाल दे। और ये डायमंड गोड का भाई डायमंड किंग है। डायमंड गोड, तुम सुन रहे हो, तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर 100 लोगों को पकड़ के लेकर आना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? अगर नहीं कर सकते
तो बता दो, मैं तुम्हारे भाई को भेज दूंगा, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे, तो जल्दी बताओ कि तुम वहां पर जाओगे और लेकर आओगे क्या मेरे लिए 100 आदमी, ताकि मैं डेविल गॉड और डेविल क्वीन को फिर से वापस से जिंदा कर सकूं। आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हेलोर, आपके कहने पर मैं जाऊंगा लॉस सैंटोस के अंदर और वहां से 100 लोगों को पकड़कर जो है हेल बेसमर लेके आऊंगा। फिर आप उनकी बलि चढ़ा देना। वैसे आपने इस काम के लिए मुझे चुना उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे इंसानों को पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और लॉस सैंटोस में तबाही मचाने का तो अलग ही मजा है। तुम जा तो रहे हो, लेकिन फ्रैंकलिन और उसकी टीम से बच कर रहना, डायमंड गोल्ड। हाँ, मैं उनसे बच कर रहूंगा और मैं यहाँ पर जल्द ही 100 लोगों का लेकर आने वाला हूँ। अब मैं यहाँ से फटाफट जाता हूँ। वैसे ये हेल बेस में कौवे क्या करने लग गए हैं? हेल बेस में कौओं का आना है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है एल्बेस में कौए आ सके। कोई नहीं, कौओं को आने देते हैं। मुझे तो फिलहाल अभी हेल्बेस से बाहर जाना है और लॉस सैंटोस के अंदर तबाही मचाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हेल्बेस में वापस से लेकर आना है। ये लो, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वैसे भी लॉस सैंटोस में तबाही मचाने से ज्यादा और मजा किसी और काम में कहाँ आता है। मुझे यहाँ पर फटाफट मारता हूँ मैं। मैंने करीबन अब जो है 5 गाड़ियाँ फोड़ दी है। हर गाड़ी में 4 मेंबर तो होंगे ही, तो 20 लोग तो हो चुके हैं। ऐसे ही मैं गाड़ियाँ फोड़ता रहूँगा और उन गाड़ियों के लोगों को गिनता रहूँगा, ताकि जल्द ही जो है 100 लोग हो जाए। ये लो, मैंने एक और गाड़ी फोड़ दी। हेवन गॉड, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि लॉस सैंटोस में कोई ना कोई तो तबाही मचा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए, लेकिन कैसे? अरे हाँ, हो सकता है कि लॉस सैंटोस में कोई तबाही मचा रहा हो, लेकिन ये उनकी चाल भी तो हो सकती है ना फ्रैंकलिन। हाँ, हो तो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी कोई नई चाल चलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने अभी अभी हेल बेस बदला है, तो इतनी जल्दी वो हमला करने वालों में से नहीं है। मतलब कोई चाल चलने वाले नहीं है, वो किसी बड़े मकसद को अंजाम देने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो लूसीफर, तुम वहाँ पर जाओ और जो भी उनका मकसद है उसको नस्तनाबूद कर दो। जल्दी जाओगे ना तुम? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं वहाँ पर जाऊँगा। आखिरकार इसी पल के लिए तो मैंने जो है हेवन आर्मी ज्वाइन की थी। फ्रैंकलिन, तुम भूल गए, मैं हमेशा हेल के विरुद्ध रहा हूँ। उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था एक वक्त पर, लेकिन आज मैं सारी भड़ास निकाल लूँगा अपने उन पर। अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा और जो भी रोज सेंटोस के ऊपर हमला कर रहा है उसको मार कर ही वापस आऊँगा। देख लेना फ्रैंकलिन, मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर। बस मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा, पता नहीं वो उनकी चाल होगी तो शायद मैं उन पे फंस सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जान लगा कर मैं वहाँ पर लड़ूँगा। फटाफट वहाँ पर जाता हूँ मैं। ये लो, मैंने अपने विंग्स खोल दिए हैं और इनकी मदद से मैं काफ़ी जल्दी उड़ भी पा रहा हूँ। अगर गाइस आपको लगता है कि मैं वहाँ पर जीत जाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीत जाऊँ, तो जल्दी सी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। कुछ ही देर में जो है मैं उस हमले वाली जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर ये हमला अभी चल रहा है। ये हमला काफ़ी भयानक भी हो सकता है और काफ़ी छोटा भी। ये हमारे खिलाफ कोई चाल भी हो सकती है। ये लो, मैं पहुंच गया। अबे तुम जो भी हो, ये हमला करना बंद कर दो लॉस सैंटोस के वासियों पर, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं हूँ लूसीफर। अबे लूसीफर, मेरा नाम डायमंड गॉड है, तुम जानते नहीं। मैं हेल के लिए काम करता हूँ, हेल लोड के लिए। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी हेल लोड ने मुझसे कहा रखा है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे कुचल दो। तो अगर तुम कुचले जाने वाले में से नहीं हो तो सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत डायमंड गॉड मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब मैं बताता हूँ,
मैं कोई हैरा गहरा नहीं, जो तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा और रास्ते से हट जाऊंगा। अब मैं तुमको यहाँ पर मार के ही रहूंगा। तुम जहाँ पर भी छुपे हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तुम यही चाहते थे ना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ। ये देखो अब मैं आ गया, अब क्या कर लोगे तुम मेरा? ये लो, अब मैं बताता हूँ तुम्हें आखिरकार मैं हूँ कौन। मैंने बताया था तुमको डायमंड गोड हूँ मैं, लेकिन तुम समझे नहीं। डायमंड का अर्थ होता है राक्षस। अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी जो है अस्थियाँ दम न तोड़ दे। ये लो लूसिफर, अब तुमको पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। तुम भले ही बाकी है लोड के मेंबर्स को मार रखने में कामयाब हुए हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं है। मैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ और उनकी शक्तियाँ मेरे से बिल्कुल अलग है, तो मुझे मारना उतना आसान नहीं है। लूसिफर, आज तुम बच के नहीं जाओगी यहाँ से, या तो मैं बचूँगा या सिर्फ तुम। और हाँ, अगर तुम बच भी गए तो मैं तुम्हें हेल बेस में ले जाऊँगा और वहाँ पर फिर हेल लॉर्ड ही तुम्हारे साथ करेगा जो उसे करना है। फिलहाल तो अभी तुम मुझसे बस मार ही खाओ, क्योंकि तुम बस यही कर सकते हो इस वक्त, और कुछ तो करने की हालत में तुम हो नहीं। ये लो, अभी तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा घिसेड़ूंगा मैं, जब तक कि तुम्हारी आखिरी खून की कतरे तक न बह जाए। ये लो, अभी तो तुम बस लड़ाई स्टार्ट हुई है, अभी ख़त्म करना बाकी है मेरे दोस्त लूसिफर। अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना उतना आसान है क्या? अगर होता तो मैं वापस जिंदा ही नहीं हो पाता, मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं डायमंड गॉड। अब तुम मेरी शक्तियाँ देखो, तुमको पता चल जाएगा मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। लेकिन तुम आज मारे जाओगे यहाँ पर, और मैं तुम्हें हेवन गॉड के पास नहीं ले जाऊँगा बलि का बकरी बनाने के लिए, बल्कि मैं तुम्हारा यहीं पर ही अंत कर दूंगा। समझ गए ना तुम? ये लो और ये भी लो। हा। अरे मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे लूसिफर, लेकिन तुम तो मेरे बस थोड़ा सा एक चुटकी खून ही निकाल पाए हो, और उससे ज्यादा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। अब मैं बताता हूँ तुम्हें आखिर असली ताकत कहते किसे हैं। ये लो मेरा हैवी पंच अटैक। इस पंच से बड़े बड़ों की हड्डियाँ टूट जाती है, और तुम तो एक मामूली परिंदे हो। नो समझ लो, मेरे लिए तुम किसी परिंदे से कम नहीं हो लूसिफर। आज तो तुम यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, क्योंकि मारने से इससे हेल कम्युनिटी को कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो इसमें हेल कम्युनिटी का कोई भी फायदा नहीं होगा, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बेहोश करके ले जाता हूँ तो इसमें फायदा है। फिलहाल तुम यहाँ पर बेहोश भी हो चुके हो, और ये बात सुनकर तो हमारे हेल लॉर्ड भी खुश होंगे। वैसे भी मैंने 100 लोगों को तो मार ही दिया है, मतलब उन्हें बेहोश कर ही दिया है और हेल बेस में भेज भी दिया है। अब बस तुम्हें भी अपने साथ ले जाना है। जल्दी करता हूँ, मैं तुम्हें अपने जादू से फटाफट वहाँ पर भेज देता हूँ। ये लो, मैं वापस आ चुका हूँ हेल बेस में। हेल लॉर्ड, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आपने कहा था कि अगर 100 लोग पकड़ने के चक्कर में कोई बीच में आए तो उसे मार दो, और वो हेवन आर्मी का कोई सदस्य है तो उसे जो है हेल बेस में ले आओ। मैं उसे बिल्कुल वैसे ही ले आया हूँ हेवन बेस में। अरे लेकिन तुम्हारी लड़ाई के बीच में आखिर आया कौन था, और तुम लेकर किसे आए हो हेल बेस में? हेल लॉर्ड, उसका नाम लूसिफर है, उसको मैं लेकर आ चुका हूँ। पहले मैं आपको ले जाता हूँ 100 आदमियों के पास जिनकी आपको बलि चढ़ानी है, ताकि जो है आप उनकी बलि चढ़ा दें और उसके बाद डेविल गॉड और डेविल क्वीन को जिंदा कर सके। ये लो, अब सामने की तरफ जो गेट है ना हेल लॉर्ड, उसी के अंदर मैंने उन 100 इंसानों को रख रखा है कैद। अब आप इनको मार दो और जल्दी सी डेविल गॉड और डेविल क्वीन को जिंदा कर दो। तुमने काफी अच्छा किया मेरे दोस्त डायमंड गॉड,
अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इनकी अभी बलि चढ़ाता हूँ, उसके बाद मेरा बेटा डेविल गोड और डेविल लोड की बीवी डेविल क्वीन वापस से जिंदा हो जाएंगे। अभी मैं इन 100 इंसानों की बलि चढ़ाता हूँ। ये लो, अभी भी ये लोग जिंदा नहीं है, अब ये यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। अब मैं इनको एक साथ मारूंगा। अब ये लो, अभी भी कुछ लोग जिंदा बच गए हैं, तो उनको भी फटाफट से मार देता हूँ। ये लो, ये लोग तो जल के भस्म हो चुके हैं। अब कुछ ही घंटों में डेविल गोड और डेविल क्वीन जिंदा हो जाएगी। वैसे हमारा डेमन गोड लूसीफर को भी तो लाया है, उसको भी संभाल लेता हूँ। आखिरकार अगर वो यहाँ पर हमारी टीम ज्वाइन कर लेता है तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा, यानी कि उसे एक मौका दूंगा ताकि वो हमारी टीम में रहे और हमारे लिए काम करे। लेकिन अगर वो नहीं माना तो सब जानते ही है ना कि मैं उसके साथ क्या काम करने वाला हूँ। फटाफट उससे बात करता हूँ। लूसीफर, अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम हमारी खास आदमी रहोगे, तुम्हें ऊंचा दर्जा मिलेगा और तुम जिंदा रहोगे। लेकिन अगर तुमने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें मार दूं? तुम्हारी गंदी और नाले की जैसी इस गिरी हुई सोच में और इस हेल बेस में मैं कभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। बेशक तुम मुझे मौत के घाट ही उतार दो, उसी में ही मैं अपने आप को खुशी समझूंगा। चलो तो तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। मैं तुम्हारी आखिरी फोटो खींच लेता हूँ और इसे हेवन आर्मी को भेज दूंगा ताकि उनके पास एक फोटो तो हो उस पर हार चढ़ाने के लिए। ये लो, मैंने एक अच्छी सी फोटो खींच दी है, अब वक्त है तुम्हें यहाँ से अलविदा कहने का, और तुम्हारी बॉडी हमेशा हेलवेस में रहेगी ताकि तुम वापस से जिंदा ना हो सको। इसके हम पूरी पूरी खातिरदारी करेंगे तुम्हारी, अब वक्त है तुम्हें अलविदा कहने का। ये लो लूसीफर, तुम अब मारे जा चुके हो। देख लो, अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाते तो शायद तुम बच जाते, लेकिन तुमने तो मौत चुनी थी। जिंदगी और मौत के बीच में यही हसल होता है जो हमसे पंगा लेता है। वैसे अब कुछ ही देर में डेविल गॉड और डेविल क्वीन जिंदा हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अरे हल्लड़, आपने लूसीफर के साथ क्या किया? आपने उसे मार दिया या हमारी कम्युनिटी में रख लिया उसे? बताओ ना, मुझे बताओ हेलोड, आखिरकार आपने किया तो क्या किया उसके साथ? गोकू, मैंने उसे एक आखिरी मौका दिया था। मैंने उससे बोला कि या तो तुम हेल बेस ज्वाइन कर लो या मारे जाओ। मैंने एक तरफ उसे जिंदगी देने की सोची और दूसरी तरफ उसने उस जिंदगी को ठुकराने के बारे में सोचा, फिर मैंने उसे मार दिया। अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे बाथरूम लग रहा है, मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, आगे की बात मैं आकर करता हूँ। हेलोड, अरे मुझे ये बात जल्दी से फ्रैंकलिन को बतानी होगी, उससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए। फटाफट उसे फ़ोन लगाता हूँ फ्रैंकलिन को। हेलो फ्रैंकलिन, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, लूसीफर मारा जा चुका है। मैंने तुम्हें हेल बेस की लोकेशन भेज दी है, जल्दी यहाँ पर आओ और अपने दोस्त लूसीफर को यहाँ से छुड़ा लो, वरना लूसीफर के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, उसके बाद तुम यहाँ से इसे कभी नहीं ले जा पाओगे और फिर तुम लूसीफर को
वापस से कभी जिंदा नहीं कर पाओगे मेरी दोस्त फ्रैंकलिन। तुम सुन रहे हो ना, जल्दी से जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ और ले जाओ इसको, जल्दी आओ। यार हेलोड उन लोगों ने मिलकर जो है अपने लूसीफर को मार दिया है और हेल बेस में कैद करके रखा है, और अभी कोकू मुझे हेल बेस की लोकेशन भेज रहा है। जैसे ही मेरे पास लोकेशन आ जाएगी मैं वहां पर जाऊंगा और जो है उसको लूसीफर को यहां पर लेके आऊंगा। तुम उसे वापस से पहले की तरह जिंदा कर देना है हेवन गॉड। अरे हाँ, तुम जल्दी जाओ और जो है लूसीफर को यहाँ पर लेके आओ, उससे पहले ही वो की निगरानी बढ़ा दे हेल बेस की, जल्दी जाओ। हाँ हेवन गॉड, मैं जाता हूँ, मेरे पास लोकेशन आ चुकी है, अब मुझे नए वाले हेल बेस में जाना होगा। पता नहीं वहाँ पर जाने के रास्ते में कितनी अड़चन होगी। वैसे तो जो है गोकू ने मुझे एक सीक्रेट रास्ता भेजा है और वो किसी टनल में से होकर जाता है, और ख़ास बात यह है कि वो टनल भी समुद्र में है, तो मुझे समुद्र के रास्ते से उस टनल में जाना होगा। ये टनल काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है और ये टनल यहीं आसपास से ही जाती होगी। मैं फटाफट उस टनल को ढूंढता हूँ ताकि मैं जो है अपने दोस्त लूसीफर को बचा सकूँ। ये रही वो टनल, यहाँ से जा रही है वो सुरंग, इस सुरंग में से हो के मुझे जाना होगा हेल बेस में। ये सुरंग पता नहीं कितनी लंबी है, यहाँ पर मैं प्रॉपरली सांस नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं कुछ भी हो जाए मैं आज यहाँ से लूसीफर को तो जिंदा लेकर ही निकलूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना त्यागनी पड़े। फटाफट जाता हूँ मैं, ये टनल कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी ज़्यादा भयानक, लेकिन इस टनल के रास्ते ही मैं लूसीफर को यहाँ से जो है निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा, बस अब थोड़ी सी दूर और है और मैं पहुँच जाऊँगा हेल बेस में। जल्दी करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, नहीं तो हेल बेस में हेल लॉर्ड अपनी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देगा ताकि कोई भी वहाँ से लूसीफर को ज़िंदा ना निकाल सके। ये लो बस मैं पहुँच ही गया, अभी मुझे इस पानी से ऊपर आना है और उस जगह को ढूंढना है जिसके बारे में कोकू ने मुझे बताया था। वो जगह एक छोटी सी जगह है, वहीं पर से ही सीक्रेट रास्ता जाता है। आखिरकार किधर है वो जगह, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहीं वो जगह पानी के अंदर तो नहीं है। ढूंढता हूँ, अरे वो जगह ये रही, यहीं से ही मुझे जाना है। फटाफट मैं जाता हूँ हेल बेस के अंदर, इसी जगह से जाना होगा मुझे। ये लो मैं चल गया, अब मैं कुछ देर में अंदर पहुँच ही जाऊँगा। ये लो यहीं कहीं से ही रास्ता है, ये लो मैं पहुँच गया हेल बेस के अंदर। अभी मुझे फटाफट से जो है लूसीफर को ढूंढना होगा, आखिरकार कहाँ पर छुपा है अपना दोस्त, कौन लोगों ने ये किया, ये क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर तो यार 100 से भी ज़्यादा लोग मरे हुए हैं, ये क्यों मारे गए इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। वो ये सब मैं छोड़ता हूँ, पहले लूसीफर को ढूंढता हूँ, लूसीफर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, अगर वो रहेगा तो बाकी अपने को सब पता चल ही जाएगा आखिरकार हेल बेस का ये मामला क्या है। वैसे लूसीफर अभी मारा जा चुका है तो मुझे उसे वापस से ज़िंदा करवाना होगा। ये क्या, ये ही है क्या वो हेल लॉर्ड गोकू, डेविल लॉर्ड और डेविल क्यून और डेविल गॉड भी जो है अभी भी जिंदा नहीं हुए हैं। यहाँ पर चुपचाप देखता हूँ, अरे लूसीफर, लूसीफर तुम जिंदा हो क्या? यार ये कुछ बोल नहीं रहा, मतलब कि या तो ये मर चुका है या बेहोश है, वैसे ये पूरा मर चुका है, मैंने चेक कर लिया है, अब बस मुझे इसे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर ले जाना होगा, वरना अगर हम दोनों यहाँ पर पकड़े गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा, फिर हम दोनों की दोनों यहाँ पर फंस जाएंगे। मैं कुछ भी करके जो है लूसीफर को यहाँ से निकालूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। गाइज अगर आप चाहते हो कि लूसीफर यहाँ से आज़ाद हो जाए, ये लो आपने वीडियो को लाइक कर दिया ना, तो यार ये देखो आपकी शक्तियों से हम लूसीफर को यहाँ पर ले आए हैं। ये लो अब देखते हैं आगे क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेवन गॉड आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तुम लूसीफर को वापस से पहले की तरह ज़िंदा कर दोगे या ये कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगा?
क्या बोलते हो हेवन गॉड, जल्दी इस बारे में बताओ, क्या हमारा दोस्त वापस से पहले की तरह जिंदा हो पाएगा क्या? अरे मैं इसे वापस से पहले की तरह जिंदा कर दूंगा, बस इसमें कुछ टाइम लगेगा। बस मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि ये वापस से मैं इसे जिंदा कर सकूं। इसमें 4-5 दिन का टाइम लग जाएगा फ्रैंकलिन, तुम 4-5 दिन इंतज़ार कर लो बस, फिर हमारा लूसीफर वापस से पहले की तरह जिंदा हो जाएगा, हंसता और खेलता। मेरे भाइयों सुनो, मैंने डेविल गॉड को और डेविल क्वीन को वापस से जिंदा कर दिया। फिलहाल डेविल गॉड और डेविल क्वीन तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, उन कामों को निपटाने के बाद मैं तुमसे बात करूँगा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो लूसीफर की लाश पड़ी थी ना, वो कहाँ गई? कहीं हेवन आर्मी के लोग लूसीफर की लाश को तो लेकर नहीं चले गए, लेकिन उनको तो इस जगह के बारे में भी नहीं पता है। आखिर ये क्या हुआ, आखिर उसकी लाश को आसमान निगल गया या पाताल? क्योंकि नर्क में तो जा नहीं सकते, नर्क का मालिक तो मैं ही हूँ, तो उसकी लाश आखिरकार गई तो गई कहाँ? फटाफट यहाँ पर हेल बेस का CCTV चेक करता हूँ और पता करता हूँ आखिरकार कौन लेकर गया है यहाँ पर लूसीफर की लाश। जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर में लॉगिन और पासवर्ड डाल चुका हूँ, ये क्या, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर फ्रैंकलिन हमारे हेल बेस में चोरी छिपे घुसा है और वो यहाँ से जो है लूसीफर को लेकर गया है, लेकिन उसे कैसे पता चला आखिरकार कि लूसीफर हेल बेस में है? और हेल बेस में है तो ये तो ठीक है, उसे पता भी चल गया होगा कि लूसीफर हेल बेस में है, लेकिन हेल बेस का पता आखिरकार उसे किसने दिया? क्योंकि हेल बेस के बारे में अभी किसी को नहीं पता सिवाय हेल बेस के आर्मी के, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भेदी है जो हमारी चुगली कर रहा है हेवन आर्मी से। कौन हो सकता है वो? डेमन गोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेमन गोर का भाई भी तो है, वो हमारे कब्जे में है, तो इसीलिए डेमन गोर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। और वैसे भी ये तो हेल आर्मी के पक्के फैन है, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगी। बचे डेविल गॉड और डेविल क्वीन तो वो पहले मरे हुए थे, वो अभी जिंदा हुए हैं, और फिर बचा ड्रैगो को, लेकिन ये तो हमारे बस में है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये हमारे बस को तोड़कर हमारी बस से बाहर निकल गया हो, यानी कि ये हमारे बस में अब नहीं है, यानी कि यही हो सकता है जो कि हेवन आर्मी से मिला हुआ है और हमारी सारी पल पल की खबर जो है हेवन आर्मी को दे रहा है। गोकू मुझे पता चल गया है, वो शख्स तुम ही हो जो हेवन आर्मी को हमारी सूचना दे रहे हो। अरे लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने अपना काम तो कर ही दिया है। वैसे भी हेवन आर्मी के लोग आप जो है लूसीफर को तो लेकर जा ही चुके हैं, आप लूसीफर पहले की तरह वापस से जिंदा हो जाएगा। बेशक लूसीफर तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा गोकू? अब तुम्हें कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा पूरा ख्याल तो अब हम रखने वाले हैं। और तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे, हेलो से गद्दारी की है तुमने, और हेलो से गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है गोकू, सजाए मौत। अब तुमको यहाँ पर मौत ही मिलने वाली है, और इंसाफ की तो तुम पूछो ही मत। ये लो अब मैं देने वाला हूँ तुम्हें सर बलि, ये लो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया है, अब तुम्हें कोई जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तुम्हें इसी जगह कैद रखेंगे। और हेवन आर्मी को भी तो फोटो भेजी तुम्हारी, उनको भी तो पता चले आखिरकार हेल बेस में जासूस भेजने का क्या नतीजा होता है।
फटाफट तुम्हारी ये फोटो मैं फ्रैंकलिन को भेजता हूँ, उसे पता चलना भी तो चाहिए आखिरकार एल्बिस में जासूसों का क्या हाल करता है। लॉर्ड, बड़ा मजा आया, इस जासूस को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन हमें भी तो जासूस भेजने चाहिए हेवन में, इस बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, आगे जानेंगे क्या होता है इस कहानी में।